안녕 하세요 친구들 하드보예요. 오늘은 울릉 넣어 갈 거예요. 진짜 멀고 두 번 자고 집에 오겠으니까 진짜 기대돼요. 저도 기분 좋고 아빠도 기분 좋나 봐요. Assalamu alaikum viewers. 아즈함 कोरिया में मौजूद एक आइलैंड जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे अपना ये ट्रैवल सफ़र एडवेंचर से भरपूर। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आनिया को तो अभी से मज़ा आ रहा है। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह। लेट्स गो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। स्नैक खाएंगे थोड़ा सा, फिर आगे जाएंगे। ठीक है जी, अभी क्या टाइम हुआ है? हंसी फान 1:30 बज गए। 2 घंटे की ड्राइव की है और अभी रेस्ट टाइम हो रहा है। ठीक है जी, मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि ये बाहर यहाँ पर कितना रश है। मैं अकेला आया हूँ, बच्चों को अंदर बिठाया है क्योंकि अभी कोरोना का वबा चल रही है, पेंडेमिक है, तो इसलिए ज़्यादा एहतियात ये कि गाड़ी गंदी रह जाए। रश कितना है तो हम आपको थोड़ी देर बाद दोबारा आगे मिलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या सफ़र कैसा रहता है हमारा। ठीक है जी, सी यू। ये मुझे थोड़ा सा खूबसूरत लगा है एरिया, इसलिए मैंने दोबारा अपना कैमरा ऑन किया है और ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा था कि हम रेस्ट करने के लिए आए हैं, रेस्ट प्लेस है मोटरवे के ऊपर। तो ये करीब में साइड पे एक छोटा सिटिंग प्लेस है, वही आप देख रहे हैं येलो कलर के मुख्तलिफ ये कॉशंस लिखे हुए हैं, एक कोरियन में लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि COVID-19 की वजह से जो है थोड़ा सा डेंजर है और फासले से बैठें, फासला रखें अपने दरमियान दो साथी, दो बंदे कोई भी। और ये देखें जगह जगह पे ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं पूरी कोरिया की, कोरियंस के अंदर छींक आए तो हाथ रखें, मास्क लगा के रखें। ये देखें ये लिखा हुआ है मास्क फंदेशी छक्यों, इसका मतलब ये है कि लाजमी मास्क लाजमी लगाएं। आगे दिखाते हैं आपको, ये देखें जी, ये दिखाने के लिए आपको लगा, ये छोटी सी वादी है खूबसूरत, कि पाकिस्तान की तरह पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, लेकिन कोरिया जो है मुस्तकिल एक पहाड़ी सिलसिला है, कोरिया में मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ है। तो ये देखें जी, ये एक छोटी सी आबादी है बीच में, ये गांव है असल में कोरिया का देखा जाए तो, लेकिन यहाँ कोरिया के गांव में हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, तमाम ज़रूरत ज़िंदगी आपको यहाँ मिलेंगी, जिसमें सड़क, पानी, गैस, बिजली, रोड्स, हर तरह की आपको मिलेंगे। कार में आप सो गई थी? हाँ जी, तो अभी उसी तो आप हम पहुंच गए। ये होटल है जी, माँ ब्लू मारीन के नाम से। आयो आगे हो, चलो चलो ऊपर चले, आपको रूम दिखाते हैं। खा जा बोले, खा जा। हाँ जी,
दिस वन हाँ नहीं दिस वन योगी शिमला पुक कोतर का से हो अपने तो अपने से बोल योगी ने फाजंग से ये है वॉशरूम ये रूम है वाजिबा हाँ जी ये पोक तो इस किचन तो है यहाँ पे आप यहाँ पे मामा यहाँ पे आपके लिए खाना बना सकती है गर्म कर सकती है ये फ्रिज है खाली है एम्प्टी हाँ इसमें आप अपना सामान रख लेंगे अभी हम ठीक है ना चिमनी इसको मांग संग हाँ जी नॉर्मली बीचेस के ऊपर नहाया जा सकता है लेकिन ये मांगसंग बीच है कोरिया के ईस्ट में खामंदो प्रोविंस का तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है और जो सा वेव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत वेस्ट के बीच के ईस्ट की जो सी वेव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और यहाँ पर नॉर्मली शावर किया जाता है लोग नहाते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक तो शाम का वक्त है और जो वेव्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो अभी मना किया हुआ है और वैसे भी मौसम ठंडा है यहाँ पर अभी ये किसने बनाया है और ये कौन बना रहे हैं अब आप बना रही हो वाह जी वाह टिप्पुदा बहुत ही प्यारा ये तो ठीक है हार्ट तोड़ रही हो लोटेरिया मशीन या मजा रहे कितने बच्चे अच्छे तो भाई इतना का फायदा कहता पीछे हानि का झुल्ली को इतना हानि स्लीपिंग हो रही है स्लीपिंग आ रही है सी यू इन द मॉर्निंग बाय बाय मच्छी गुड मॉर्निंग नूनू गा नहीं जाना हाजी मान चलाओ दिखाओ आपको ये देखो ये ब्रिज है ना इस ब्रिज के नीचे
सर तेज पानी जा रहा है। ओह माय गॉड, वो देखो पानी, ये नदी बह रही है ना ऊपर से, देखो आप। ये देखें जी, वो पानी आ रहा है ऊपर से और ये नीचे पानी जा रहा है। ये मेरी, मैं हिम्मत से खड़ा हुआ, ये डर लग रहा है। हादिया जी देखो, वाह फिश आ गया। मिया, मैं नहीं, हादिया शैल इकट्ठे कर रही है। ये देखो जी, हादिया ने शैल इकट्ठे किए हैं इतने ज्यादा, वाह जी वाह। खाली शैल छिलके ले आओ मेरा बेटा, चलिए डालो। कॉइन की जैसे हैं, कॉइन की आवाज आ रही है ना। हाँ जी, कॉइन की जैसे आवाज आ रही है। मखलूक में से एक मखलूक है ये समंदर, और इसकी आवाज़ जो है वो एक दहशत है उसकी आवाज़ की। तो अल्लाह की, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह सुबहान तआला का जलाल कितना सख्त होगा। और इस एक छोटी सी मखलूक समंदर से हमें इतना खौफ है, तो हमें अल्लाह सुबहान तआला से कितना खौफ करना चाहिए। वो इसे अल्लाह ने एक काबू कर रखा है, अगर इसकी लगाम अगर अल्लाह सुबहान तआला छोड़ दें तो वो इमेजिन करना मुश्किल है। वो मुगल वाला स्मिका हानिया आज पहली दफ़ा कोरियन रेस्टोरेंट में आई है, और हानिया पहली दफ़ा, हाजिया पहली दफ़ा आई है, और हानिया हाजिया की मामा पहली दफ़ा आई है, और कोरियन खाना खाएंगे। I think
रहे हैं। हमने अपना टूर बनाया था उल्लूंगो का और उल्लूंगो हम नहीं जा सके मौसम की खराबी की वजह से भी, और एक दफ़ा हमने खुद से जो था मालूम नहीं था उससे फेरी हमने छोड़ दी, वो एक ही जाती थी फेरी थाशी खा में थे जो ठीक है जोरम दे में तो थाशी हो गई स्मिता। अब वापसी सियोल की तरफ जा रहे हैं, थाशी जी में खा।